नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी का दिन जो है पूरे देश की ही बात ना करें और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो आज वैलेंटाइंस डे है। और लेकिन इसी के साथ ये दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश के जवान जिन्होंने आज के दिन शहादत पाई थी, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उनकी शहादत को पूरा देश याद करता है, क्योंकि ये जागते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं। इसी विषय को लेकर आज नेहा लोहोत्रा, जो जम्मू की जानी मानी अदाकारा है, कई सारी मूवीज़ में उन्होंने अपना अभिनय का लोहा मनवाया है, उनसे बात करते हैं क्योंकि आज उनकी पुलवामा मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है। ये ट्रिब्यूट है नेहा लोहोत्रा का उन जवानों को, उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। चलिए करते हैं छोटी सी एक मुलाकात नेहा लोहोत्रा जी के साथ। नेहा लोहोत्रा, आपका ग्रेटर जम्मू में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। आपने बहुत सारी मूवीज़ में अदाकारी की है, सीरियस भी, मजाक भी, हर जगह आपने अपना लोहा मनवाया है। अब आप डायरेक्शन फील्ड में भी आई हैं, लेकिन हमने देखा कि पहली डायरेक्शन मूवी और इतना बड़ा ट्रिब्यूट, कैसे देखते हैं? ये मेरी पहली नहीं है, ये मेरी सेकंड की थर्ड डायरेक्शन मूवी है जिसमें मैंने डायरेक्शन दी है। बट ये है कि आफ्टर गैप मैंने कम बैक किया है इस मूवी के साथ, जिसमें मैंने डायरेक्शन भी दी और एक्ट भी खुद किया है। लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए, बहुत ही चैलेंजिंग कंसेप्ट था मेरे लिए। जब हम लोग बैठे थे, हमारी टीम पूरी, हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं, उसके बाद बस बहुत मुश्किल रहा है मेरे लिए इस पर काम करना, बट किया है। एंड अभी आप लोगों के सामने ही, आप लोगों ने भी देखी है मूवी की क्या है कैसा है, और जो मुझे रिस्पांस मिला है यहाँ से, जितनी भी ऑडियंस आई थी, जितने भी मेरे मीडिया के लोग आए थे, जितने भी, एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मतलब ये रिस्पांस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सच्ची बात बताऊँ तो। बट अगर ये रिस्पॉन्स मिला है तो आई एम वेरी हैप्पी। जहाँ आज पूरे विश्व में जो है वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है, लेकिन जो देश से कहते हैं प्यार करते हैं वो उन शहीदों की शहादत को याद करते हैं, और शायद उसका प्रमाण आपने आज दिया है। कितनी टची रही ये मूवी आपके लिए, क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत सारी अदाकारें जो आपकी मूवीज़ आई हैं, बहुत सी मूवीज़ में आपने बहुत अच्छे अहम रोल निभाए हैं, ये कितनी आपके लिए स्पेशल मूवी रही? मैं सच बताऊं तो जब मैं ये लिख रही थी ना इसके डायलॉग्स, मैं तब भी बहुत रोई थी, मतलब लिटरली मैं बहुत इमोशनल हूँ। और मैं अभी जब अपनी परफॉर्मेंस देख रही थी ना, मैं तब भी रोई, मेरे तब भी रोंगटे खड़े हुए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप उस करेक्टर में ढलोगे नहीं, आप ऑडियंस तक वो चीज़ नहीं रख पाओगे। और मैं इतनी इमोशनल हूँ ना कि मैं जब किसी का कोई दुख देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही मेरे साथ ही हो रहा है। और जब मैंने ये लिखा, मुझे सच में मैंने ऐसे, एक्चुअली इट्स अ फिक्शन, ये इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, ये हमारा खुद का कंसेप्ट है, हमने खुद बनाया। तो जब मैं ये लिख रही थी ना, मैं तब भी सोच रही थी कि, और जब एक्ट किया मेरे तब भी माइंड में आया कि अगर भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ मेरे साथ होता तो मतलब तो ये बहुत ज़्यादा टची रहा है मेरे लिए। मतलब बड़ा हॉन्टिंग ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट होते हैं, बट एक्ट करना और अपना 100% देना बहुत बड़ी बात होती है उसमें, मैंने पूरी कोशिश की। आप एक माँ भी हैं, एक बीवी भी हैं, एक बेटी भी हैं, आपसे बेहतर मुझे लगते बहू भी हैं, आपसे बेहतर मुझे लगता है इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। जहाँ हमारे बच्चे को कुछ हो जाता है, या पति को कुछ हो जाता है, या भाई को कुछ हो जाता है, तो हमारी जो अंदर की आत्मा है वो कलप जाती हैं। लेकिन ऐसे जवान जो देश के लिए ऐसी सद्भावना से काम करते हैं और शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार पर कैसे गुजरती होगी? मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, वही बात आ गई, जिस तरह लगे सोतन जाने, वो एक्चुअल में फील जो उनको होता है वो हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, हम एग्जैक्टली वो नहीं बता सकते क्योंकि हमारे साथ वो चीज़ नहीं हुई है, है ना। जब तक हमारे साथ नहीं होगी हम उस चीज़ में जा नहीं पाएंगे, और रब ना करे किसी के साथ भी ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई, मैं तो फेस नहीं कर सकती हूँ इन सब चीज़ों को। लेकिन मेरे लिए ये इतना, मतलब इतना हॉन्टिंग प्रोजेक्ट रहा है ना, मतलब कभी भी कुछ ऐसा हो ना, जब एक्ट करती हूँ तब भी, मतलब ये भी मुझे बोलता है कि दीदी आप ऐसे करती हो ना कि मतलब मेरा कट करने का मन नहीं करता है, और बड़ा ज़्यादा इमोशनली उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ मैं पता नहीं क्यों मेरे साथ है ये दिक्कत। चलिए हमारे साथ जिन्होंने डायरेक्शन दी है उनसे भी बात करते हैं। सिनेमाटोग्राफिक है आप, तो कैसा रहा ये समय, क्योंकि बहुत ही टची मूवी है, देश की मूवी है, उन जवानों की मूवी है जिन्होंने शहादत पाई है, और ये वो लोग हैं जो अपनी सब तन मन धन से देश की सेवा करते हैं। जब हम लोग, मतलब क्लाइमेक्स, मैं आपको बताता हूँ, हम शूट का प्रोसेस बताता हूँ BTS एक किस्म से, हम लोग जब शूट कर रहे थे, क्लाइमेक्स जब हमारा चल रहा था, तो बहुत लंबे 4 से 5 पेज का वो क्लाइमेक्स था,
तो उस दौरान मतलब जितने भी मैंने टेक्स लिए हैं, मैंने हर एंगल में मैंने दी को यही बात बोली, मैंने कहा आप खुद ही कट बोलना अपने हिसाब से, क्योंकि मैं कट नहीं बोल सकता, क्योंकि जो इमोशन चल रहा है अगर मैं कट बोल दूंगा तो शायद वो परफॉर्मेंस वैसी उस लेवल की नहीं निकल सकेगी। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और मेरे को हर बार ही बहुत अच्छा लगा है, मतलब कम से कम मैं 6 से 7 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ स्टार्टिंग से लेकर 7-8 सालों में पिछले नेहादी के साथ, और मेरे को हर प्रोजेक्ट में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे एज ए एक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे फुल प्रोफेशनली मिलती है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। एडिटिंग के टाइम पे भी जल्दी फटाफट एडिटिंग होती है, हर एक चीज़ मिसमैच नहीं हो रही होती, सब कुछ मैच होता है, डायलॉग्स मैच हो रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट भी करके। और इमोशनली था डायलॉग्स, जब भी ऑन सेट भी मैं जब शूट कर रहा था तब मेरे को भी गूज़बम्स आ रहे थे, जब मैं परफॉर्मेंस देख रहा था डायलॉग सुन रहा था, तो टॉपिक तो बहुत इमोशनली रहा मेरे लिए ये वाला। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को जो आपको देखने के लिए बड़े लंबे समय से बेताब थे और आपने अब जो कमबैक किया है, बड़ी ही इमोशनल एंट्री हुई है आपकी। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे आपने मुझे पहले सपोर्ट किया ना, 2007 की बात करती हूँ, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ठीक उसी तरह से मैं दोबारा अगर कमबैक करी हूँ तो स्टे करने के लिए कमबैक किया है। एंड प्लीज़ गाइस, प्लीज़ जस्ट कीप सपोर्टिंग, मुझे लिटरली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक आर्टिस्ट होता है ना उसको अपनी ऑडियंस के लिए ही एक्ट करना होता है, बेशक वहाँ पे 1000 लोग बैठे हो या फिर बेशक वहाँ पे कोई एक जन बैठा हो, तो उसकी ऑडियंस उसके लिए बहुत मैटर करती है, और मेरे लिए आप लोग बहुत मैटर करते हो, बस जैसे साथ देते आए हो आगे भी ऐसे साथ देना। थैंक यू। ये थी हमारे साथ जम्मू की जानी मानी आर्टिस्ट, एक्ट्रेस भी कह सकते हैं, बहुत सारे अब तो ये डायरेक्शन फील्ड में भी हैं तो डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, नेहा लहोत्रा, जिन्हें कौन नहीं जानता। पुलवामा से इन्होंने दोबारा कमबैक किया है और ये एक ट्रिब्यूट है उन जवानों को जिन्होंने पुलवामा में शहादत पाई थी। तो अगर आप इस मूवी को, शॉर्ट मूवी को देखना चाहते हैं पुलवामा, तो नेहा लहोत्रा चैनल पर जाइए, यूट्यूब के चैनल पर, और वहाँ पर आप ये शॉर्ट मूवी जो है पुलवामा उसे देख सकते हैं और अपनी राय जो है राय जरूर रख सकते हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए।